रसिक, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रसिक, अच्छा शॉट लगा यहां पर। फाइन लेग की तरफ कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, देखा छोटी गेंद और उसे खेल दिया था। चार रन यहां पर प्राप्त हुए। एक अच्छा कवर ड्राइव यहां पर, फील्डर अच्छी फील्डिंग यहां पर, दौड़कर बॉल को पकड़ा और एक रन दौड़कर पूरे कर लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, जबकि पहले ओवर का खेल चलता हुआ। गेंदबाजी कर रहे हैं टेनिस स्ट्राइक पे अब प्रवीण। आज यहां पर महादेव डान बगीचा की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और स्टार 11 भटगांव की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया और पहले ओवर का खेल चलता हुआ। प्रवीण सामना करेंगे टेनिस की गेंद का और यहां पर टेनिस से सीधा बॉल आउट कर दिया। विन करने के प्रयास में थे बल्लेबाज। प्रवीण का विकेट यहां पर गंवाया और एक विकेट का पतन होता हुआ यहां पर महादेव डाल बगीचा की टीम का। प्रवीण के रूप में बिना खाता खोल के वापस आते हुए प्रवीण। और यहां पर अगले बल्लेबाज आदित्य जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। टेनिस काफी अच्छे गेंदबाज बल्लेबाज क्षेत्ररक्षक आज पहला विकेट निकाल कर दिया यहां पर अपनी टीम स्टार 11 की टीम को। काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हुए यहां पर टेनिस। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर कप्तान ने दूसरे ओवर में यहां पर नारायण को गेंदबाजी करने के लिए लाया है। काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं नारायण, तो देखते हैं कि आज नारायण किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम स्टार 11 के लिए। काफी चालाक गेंदबाज, काफी अच्छी गेंद यहां पर अपील होती हुई। यहां पर रिव्यू सिस्टम भी उपलब्ध है, बताना चाहूंगा कि दोनों टीमों को दो दो रिव्यू सिस्टम भी है। थर्ड अंपायर यहां पर का पैनल यहां पर उपलब्ध, अगर आपको लगे कि अगर अंपायर का निर्णय सही नहीं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ। पहले विकेट टेनिस ने लिया, दूसरा विकेट नारायण ने लिया, दोनों ही एक एक विकेट लेकर दो विकेट यहां पर गिरता हुआ महादेव डाल बगीचा की टीम का। कुछ करो सुन गणपति बप्पा मोरिया परेशान कर।
जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस टूर्नामेंट को सक्सेस कराने के लिए। तो जितने भी बोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सब सारे हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स, जिनका महत्वपूर्ण योगदान इस टूर्नामेंट को सक्सेस कराने के लिए, जिसमें पहली बार इस साल अगले बल्लेबाज नीरज है या धीरज, नाम बताएंगे बल्लेबाज का यहाँ पर की अंपायर एक मिनट के लिए रोकेंगे मैच को। ओके अविनाश, अविनाश गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और यहां पर खतरा हो सकता था, काफी देर बॉल हवे में थी और फील्डर से फील्डर बॉल तक नहीं पहुंच पाए। मिड ऑफ के फील्डर एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, जबकि दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर बगीचा की टीम का। काफी तेज गति की गेंद थी, उठाकर मारने के प्रयास में थे बल्लेबाज, परंतु उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई थी स्वर्ट फाइंडर के फील्डर के पास और कोई रन नहीं यहां पर स्कोर 6 रन, जबकि दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, आज का दूसरा मुकाबला चलता हुआ मां ममाया कप सीजन 4। और यहां पर उठाकर खेल दिया फील्डर से काफी दूर, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये पड़ा जिम हॉली चौका। अरे यहां पर हल्के से कट किया, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर, विकेटकीपर से भी मिस हुई और शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी से भी मिस हुई, दोनों ही डाइव लगाए परंतु बॉल को रोक नहीं पाए और गेंद गई 4 रनों के लिए। दो ओवर की समाप्ति पर बगीचा टीम का स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वापस कप्तान ने टेनिस को लाया है गेंदबाजी करने के लिए, पिछले ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी की थी टेनिस ने और अविनाश स्ट्राइक पर और एक विकेट लिए यहां पर सीधा बॉल आउट कर दिया टेनिस ने। बल्लेबाज आलोक टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए
अच्छा शॉट, छोटी गेंद देखी, खेल दिया इसे पॉइंट के ऊपर से, चार रन आते ही शानदार चौका यहां पर आता हुआ लोक के बल्ले से। और यहां पर खराब शॉट, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर बगीचा की टीम का। बिल्कुल सारे जितने भी बल्लेबाज अभी तक आउट हुए सारे बोल्ड आउट होकर वापस आते हुए आलोक काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए स्टार 11 भटगांव के गेंदबाज टेनिस और नारायण बल्लेबाज अनंत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जाते हुए सारे बल्लेबाज यहां पर बोल्ड आउट होकर वापिस आते हुए पवेलियन की ओर। हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं यहां पर करने के लिए। अगले बल्लेबाज अनंत जो बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं अपनी टीम के लिए, इस टीम के कप्तान। हल्के हाथों से ड्राइव किया और दौड़कर एक रन चुरा लिया, स्कोर 19 रन, जबकि तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ चार विकेट के नुकसान पर। और यहां पर काफी तेज गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं आई बल्लेबाज को और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 19 रन चार विकेट के नुकसान पर बगीचा टीम। कोटिन से गेंदबाजी करने के लिए आया है और पिछले ओवर में एक विकेट निकाल कर दिया था नारायण ने, देखते हैं इस ओवर में। अच्छी बॉल, बिल्कुल नहीं समझ पाए बल्लेबाज, विकेट गेंद गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं यहां पर, स्कोर 19 रन जबकि चौथे ओवर का खेल चलता हुआ आज का यह दूसरा मुकाबला। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज के समझ से परे और यहां पर काफी तेज विकेट इस बार बनाया गया। काली मिट्टी का विकेट तो बिल्कुल एकदम कांच की तरह सपाट विकेट, तेज गति तेज गेंदबाजों को काफी मदद देने वाला विकेट। हल्के हाथों से खेला इसे, कवर्स पर फील्डर मौजूद, स्कोर 19 रन जबकि चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। गेंदबाज नारायण स्ट्राइक पे है, कप्तान अनंत जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में गए, देखते हैं कि कप्तानी पारी खेल पाते हैं या नहीं। और यहां पर उठाकर खेल दिया, शानदार छक्का यहां पर कप्तान अनंत के बल्ले से। जैसा कि मैं आपको अभी अभी बता रहा था कि कप्तान अनंत बल्लेबाजी करने के लिए गए और यहां पर दर्शक ने एक हाथ से कैच पकड़ा है और मंच पर आ जाए, जो भी दर्शक ने एक हाथ से कैच पकड़ा है मंच पर आ जाए। छक्का, शानदार छक्का यहां पर।
अनंत के बल्ले से, कप्तान अनंत। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी परंतु उसका कोई रन नहीं। यहां पर जो कोई बम फोड़ रहा है यहां पर सख्त मना है बमबाजी ना करें। यहां पर सख्त निर्देश है कि कृपया करके यहां पर बमबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोर्ट से निर्देश आया इस टूर्नामेंट के लिए कि यहां पर सख्त निर्देश यहां पर कोर्ट की ओर से भी आया और प्रशासन की ओर से भी सख्त निर्देश आया कि इस टूर्नामेंट में आप बमबाजी नहीं कर सकते हैं, तो कृपया करके बम फड़ाके ना फोड़ें समर्थक। और यहाँ पर मंच पर आ चुके हैं यहाँ पर जिसने एक हाथ से ओवर हो चुका है इस बॉल से पहले वाइट थी तो भी ओवर हो चुका है। पहला तीन डॉट, फिर छक्का, फिर वाइट, फिर डॉट, फिर अभी सिंगल। तो यहां पर पांच गेंद अंपायर ने फैसला किया, यहां पर पांच ही गेंद हुई है, अंतिम गेंद शेष यहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 27 रन 4 विकेट के नुकसान में। बगीचा टीम का स्कोर 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर और शेष। बॉलर नेम अरविंद शहादत। फुल टॉस गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, शानदार छक्का यहां पर एक हाथ से, और दर्शक ने कैच पकड़ लिया है। तो जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़े 100 रुपए का नगद पुरस्कार उन्होंने जीत लिया है। कृपया करके मंच पर आ जाएं, 100 रुपए का जो भी दर्शक आज कैच पकड़ेगा उनको 37 यकी ओर से आज का इनाम उनके तरफ से दर्शकों के लिए है। उठाकर खेल दिया यहां पर फील्डर, बॉस का काफी अच्छा छलांग यहां पर लगाया था परंतु बॉल उनसे दूर, काफी अच्छा यहां पर क्षेत्र रक्षण करने का प्रयास। अगर खिलाड़ियों को अगर चोट लगी हो तो यहाँ पर गायत्री हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल टीम बैठाई गई है। अगर कोई भी दर्शक को भी अगर बीपी शुगर या कोई भी तकलीफ हो, हल्के हाथों से खेला इसे
लॉन्ग ऑन की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुफ्त इलाज यहां पर सुविधा इस टूर्नामेंट के माध्यम से गायत्री हॉस्पिटल से एक मेडिकल टीम यहां पर मंच के राइट तरफ यहां पर एक टीम बैठी है, आप जाकर वहां पर अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। और यहां पर काफी दूर यहां पर फील्डर बॉल से कोई रन का प्रयास नहीं, काफी देर बॉल हवा में थी और अच्छा शॉट खेल दिया इसे मिड विकेट के ऊपर से, एक और 6 रन, शानदार छक्का यहां पर आता हुआ अनंत के बल्ले से, कप्तान अनंत। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कप्तान आज अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेल पाते हैं, पूरी उसी प्रकार का मुजाहिरा करते हुए कप्तान अनंत शानदार छक्के अभी तक जितने भी लगाए हैं काफी शानदार छक्के देखने को मिले अनंत के बल्ले से, 3 छक्के अभी तक लगा चुके हैं अनंत अपनी बल्लेबाजी में। और यहां पर हमारे मंच पर शैलेश बाबा यहां पर आते हुए, मैं मंच की समिति की ओर से उनको पांच ओवर 42 रन और 4 विकेट। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, यहाँ पर सीतापुर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेश बाबा बॉलर जो भी मंच पर आ चुके हैं, मंच से उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। बॉलर नेम खेल के लिए काफी समर्पित अमन शैलेश बाबा और आज आए हैं मैच देखने के लिए कला केंद्र के मैदान में। अच्छा शॉट, शानदार छक्का यहां पर एक और आता हुआ, ये पड़ा बिल्कुल ही छक्का। बगीचा के बल्लेबाज और यहां पर अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया है, 3 हिट आती हुई। फ्री हिट यहां पर अंपायर का सारा फ्री हिट का, देखते हैं कि फ्री हिट का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं बल्लेबाज। और यहां पर बल्ले का बारी किनारा लिया फील्डर और फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई सीधा 4 रनों के लिए। इस ओवर में अगर 2 छक्के अगर बल्लेबाज लगाते हैं काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दूसरा मुकाबला आज का चलता हुआ भटगांव वर्सेस स्टार इलेवन भटगांव वर्सेस बगीचा के मध्य चलता आज का यह दूसरा मुकाबला।
अच्छा शॉट यहां पर खेल दिया है, सीधा मच की ओर गेंद आती है, एक हाथों से यहां पर कैच पकड़ लिया, परंतु यहां पर इनाम उनको नहीं मिलेगा, जो भी मंच पर रहेंगे उनको कैच की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। छक्का दर्शक हो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ दर्शकों के लिए इनाम है ये। मंच वाले अगर पकड़ेंगे तो उनको 200 रुपए पेनल्टी भरना पड़ेगा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अभी तक बगीचा के बल्लेबाज, तो आज यहां पर खिलाड़ियों के लंच की सीधा मिश्रा होटल के द्वारा की गई, हमारे स्पॉन्सर्स लंच के मिश्रा होटल, तो मैं उनका समिति की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि वो उन्होंने अपने होटल से खिलाड़ियों के लिए लंच की व्यवस्था कराई है और इस टूर्नामेंट को भी सपोर्ट अपना बनाए रखा हुआ है। काफी तेज बल्ला चलाया, निश्चित तौर पर अगर बल्ले में आती तो 6 रनों से काफी लंबा हिट जा सकता था, परंतु बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं किसी के साथ, ओवर की समाप्ति। छह ओवरों में 60 रन बना चुकी अभी तक बगीचा की टीम और दो ओवर और शेष, देखते हैं कि बच्चे दो ओवर में कितने रन और जोड़ पाती है बगीचा की टीम। लास्ट के तीन ओवर में 41 रन अभी तक मार चुकी है बगीचा की टीम, काफी तेज बल्लेबाजी लास्ट के तीन ओवरों में। और यहाँ पर दर्शक हमारे बीच आ चुके जिन्होंने एक हाथ से कैच पकड़ा था, मिड विकेट पर जो छक्का मारा था वहां पर एक हाथों से कैच पकड़ा था, तो मैं और यहां पर खतरा हो सकता था परंतु और यहां पर जो भी जिस दर्शक ने कैच पकड़ा था वो यहां पर मंच पर आ गए, तो मैं आज दर्शकों के लिए जो छक्के दे रहे हैं वो सतीश त्रिपाठी भैया की ओर से। सातवां ओवर यहां पर चलता हुआ, इसके बाद एक ओवर शेष। अच्छा अच्छा शॉट यहां पर खेला इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक फील्डर थे एक रन पूरा कर लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, जबकि सातवें ओवर का खेल चलता हुआ। बगीचा की टीम शुरुआत में काफी खराब बल्लेबाजी की थी, परंतु उसके बाद से जब से अनंत गए बल्लेबाजी के लिए तो अनंत छक्के यहां पर देखने को मिल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और शानदार यहां पर शॉट खेला परंतु उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, लंबाई नहीं दे पाए इस शॉट में अनंत, और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ अनंत के रूप में, उनकी पारी यहां पर समाप्त और अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करके वापस आते हुए कप्तान अनंत। जाते हुए थोनी बगीचा की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए थोनी,
थोड़ी छोटी गेंद थी इसे, शॉट खेला से शॉट फाइनल की तरफ, एक रन दौड़ कर पूरे कर लिए, 63 रन टीम का स्कोर, जबकि 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर, बगीचा टीम का स्कोर। और यहां पर कप्तान ने अरविंद को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है, कोर्ट इन से अच्छे गेंदबाज अरविंद। यहां पर फुल टॉस गेंद थी, हिट करने का प्रयास में थे परंतु बॉल उतने अच्छे से उनके बैट पर आई नहीं, और जब तक फील्डर आते एक रन बना लिया यहां पर दौड़कर, अंतिम ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ, देखते हैं कितने रन और जोड़ पाती है यहां पर बगीचा के टीम के बल्लेबाज अरविंद। और यहां पर हवा में गेंद, फील्डर से काफी दूर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक आते एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरे रन लेना चाहते थे परंतु स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ने मना किया, एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन, अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ, देखते हैं कि कितने रन और बना पाती है यहां पर बगीचा के बल्लेबाज। उठाकर खेल दिया है, शानदार छक्का, लंबा छक्का यहां पर निकल कर आता हुआ, जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहां पर कितने रन और जोड़ पाती है तो सीधे 6 रन ही जोड़ दिए यहां पर फिटिंग के लिए बगीचा के बल्लेबाज ने, अरविंद को एक शानदार छक्का लगाया सामने, धोनी ने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्क्रीन के ऊपर से छक्का लगाया। और यहां पर एक अच्छा शॉट कट कर दिया इसे गली की तरफ, फील्डर जब तक आते दौड़कर एक रन पूरे, दूसरे रन के प्रयास में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर, और बाल बाल बचे रन आउट होते हुए बल्लेबाज, 2 रन दौड़कर कंप्लीट कर लिए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, काफी अच्छा तेज दौड़ लगाया विकेटों पर। तेज हिट लगाया लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर आसानी से बॉल पर यहां पर थ्रो, अच्छा थ्रो यहां पर देखने को मिला लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के द्वारा, और एक रन से संतोष करना पड़ेगा अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ। और यहां पर अंतिम गेंद यहां पर फेंकी जानी है अरविंद, देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं बगीचा के। और यहां पर अच्छी गेंद, बिल्कुल नहीं समझ पाए गेंदबाज बल्लेबाज, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर बगीचा टीम का स्कोर 74 रन, जबकि 75 रनों का लक्ष्य दिया है यहां पर स्टार 11 की टीम, भटगांव को यहां पर जीतना है तो 75 रन बनाने होंगे। तो मैं यहां पर अभी ब्रेक है तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि कल सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, मुंबई की टीम आ रही है जिसमें इंडिया लेवल के 5 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आने वाले हैं, जिसमें अंकुर सिंह जो टेनिस बॉल इंडिया के कैप्टन है वो भी मुंबई इलेवन शक्ति पारा की टीम से
जो जिसके ऑनर दीप जिन्होंने बुलाई है सत्यपार 11 मुंबई से जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी उनका कल मुकाबला होना है। तो कल काफी रोचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, बड़े बड़े खिलाड़ी आपको इस मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे। जो इंडिया लेवल पर 7 खिलाड़ी खेलते हैं वो पूरे 7 आ रहे हैं और 11 पूरी मुंबई की पूरी 11 टीम यहाँ पर आपको खेलती हुई दिखाई देगी। मां मामाया कप सीजन 4 में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मुंबई की पूरी पैक टीम जिसमें 7 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल खिलाड़ी जो इस मैदान पर कल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। काफी भीड़ रहने की यहाँ पर कल काफी यहाँ पर रोचक मुकाबला और काफी भीड़ यहाँ पर आपको कल देखने को मिलेगी। और कल का बड़ा मुकाबला मुंबई कल इस मैदान पर जिसमें 7 अंतरराष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी यहां पर आपको खेलते हुए दिखाएंगे और पूरी 11 की टीम उनकी जो राष्ट्रीय टीम है मुंबई की वो पूरी खेलती हुई आपको दिखाई देगी। टेनिस बॉल के इतिहास में पहली बार अंबिकापुर में इतने बड़े बड़े लेवल के खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे।
और गिरते पड़ते एक हवा में शॉट खेला है बालचंद ने कुछ अजीबो गरीब अंदाज में और विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन अपनी टीम के लिए एक शानदार शुरुआत देकर जा रहे हैं बालचंद। निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी उनकी टीम को इनकी बल्लेबाजी से, छह करारे चौके लगाए इन्होंने और 30 रन की स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ। बालचंद क्या होने पर लग के जा रहे हैं बल्लेबाजी करने, गेंदबाज का नाम बताएंगे। गेंदबाज का नाम अविनाश, अपना दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर आएंगे, सामना करेंगे छोटन जिनको अभी तक बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक रन लेकर अपना छोर बदला और इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। अविनाश की अगली बॉल का सामना करेंगे लक्की, दाएं हाथ के बल्लेबाज, काफी धुरंधर बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट खेलने में माहिर, देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस मैच में। और पहली गेंद पे उठाकर खेला है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, तो काफी बड़ा झटका, ये दसवीं गेंद और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास में अपना विकेट झोंका, तो 31 रन के योग पे लगने वाला है दूसरा झटका। लक्की के आउट होने के बाद अरविंद के है बल्लेबाजी करने के लिए, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन खिलाड़ी, निश्चित तौर पर इनकी टीम को इनसे काफी खासी उम्मीद और देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस मैच में, जबकि एक बहुत अच्छा टोटल 75 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है और दूसरे दौर में प्रवेश करना है। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल और इस व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, बत्तीस रन। अविनाश अपने लंबे रन अप से अरविंद को ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद और उठाकर खेल दिया गेंद, अरे सीमा रेखा की ओर और कोई फील्डर के पास कोई मौका नहीं, इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। चौके के साथ आगाज किया अरविंद ने, बिल्कुल खराब गिनती और सीधी नसीहत बाउंड्री की तरफ, तो काफी अच्छे स्पीड से रन आती हुई स्टार 11 की टीम के लिए। अविनाश ओवर द विकेट अरविंद के लिए, काफी अच्छी फील्डिंग लेकिन गैप ढूंढने में नाकाम, स्कोरबोर्ड अभी भी 36 रनों पर थमा हुआ।
बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अरविंद के द्वारा एक रन लेकर छोर बदला। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन दो विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ यह मैच निर्धारित 8-8 ओवरों का खेला जाना है। फुल टॉस गेंद थी लेकिन इसे हमें खेलना चाहते थे, लेकिन फाइनल के फील्डर को खोजा और कोई भी रन इस गेंद से। और जरूरत जबकि 8 विकेट सुरक्षित। निश्चित तौर पर काफी अच्छी स्थिति में इस वक्त स्टार 11 की टीम। पालचंद की जबरदस्त बल्लेबाजी शानदार शुरुआत की बदौलत पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया उन्होंने, लेकिन एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट का पतन। गेंदबाज का नाम बताएंगे, बॉलर्स नेम। रसी का है गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे अरविंद। इस मैच में नाश्ते का प्रबंध मिश्रा स्वीट्स जो इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सर भी हैं। और रसिक की पहली गेंद अनियंत्रित गेंदबाजी, अंपायर सोलू का इशारा वाइट बॉल और इस वाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। तो इस मैच में दोनों टीमों के लिए नाश्ते का प्रबंध मिश्रा स्वीट्स की तरफ से कराया गया है। और पॉइंट की दिशा में खेलकर काफी अच्छा सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। और काफी अच्छी बॉल लेकिन उतना ही अच्छा शॉट और पहला छक्का। ये पड़ा जिम हॉली छक्का। और खेलते के साथ दो रन और आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस दो रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 47 रनों पर जा पहुंचा है, जबकि चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। निश्चित तौर पर काफी सशक्त टीम मानी जाती है स्टार 11 की टीम। रसिक की अगली गेंद काफी अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं, साथी खिलाड़ियों के द्वारा गेंद वापस गेंदबाज के हाथ में। एक बार फिर से अतिरिक्त रन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर निशांत सिंह सोलू के द्वारा। काफी अनुभवी अंपायर निशांत सिंह सोलू और राजेश अग्रवाल लिली भैया। इस व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 48 रनों पर जा पहुंचा है, तो मात्र 27 रन दूर स्टार 11 की टीम अपनी पहली जीत से। एक अपील हुई और बिल्कुल सामने पाए गए स्टंप के निशांत सिंह सोलू ने, एलवी करार दिया है बल्लेबाज छोटन को।
के बाद टीम के कप्तान चिंटू गए हैं, काफी अनुभवी क्रिकेटर, काफी अनुभवी बल्लेबाज, साथ देंगे अरविंद का। लगातार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे छोटन, एक छक्का इस ओवर में लगा चुके थे लेकिन विकेट के सामने पाए गए और रसिक ने अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। निश्चित तौर पर यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मैच में वापसी करना है महादेव डार की टीम को। रसिक अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे चिंटू दाएं हाथ के बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेल दिया फाइनल की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड की जाती है आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 49 रनों पर जा पहुंचा है। तो यहां से 26 और रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है और दूसरे दौर में प्रवेश करना। काफी अच्छा शॉट, एक टप्पा और सीधा सीमा रेखा के बाहर एक गेंद, इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं स्टार 11 के सभी बल्लेबाज और खासकर अरविंद, एक काफी अच्छे हरफन वाला खिलाड़ी, एक सशक्त गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, उतने ही अच्छे क्षेत्ररक्षक। नहीं आए हैं गेंदबाजी करने के लिए स्कूल इंड से, और पहली गेंद उठाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई नो मैन्स लैंड में, कोई भी खतरा नहीं और आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन, जबकि पांचवें ओवर का खेल चलता हुआ यहां से 21 और रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है, जबकि 7 विकेट अर्जित करनी होगी महादेव डांड की टीम को। टोनी की अगली बॉल ओवर द विकेट, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी, काफी अच्छी खूबसूरत गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को अरविंद ने। इस टूर्नामेंट के हमारे स्पॉन्सर्स हैं दशरथ पावर टूल्स, श्रृंग कंस्ट्रक्शन, बाबू भाई मोबाइल, मिश्रा स्वीट्स, बजरंग ट्रेडर्स, कार बाजार, टेक्सिको, जिम हॉलिक, और फिर से हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला इस शॉट को, गेंद गई फील्डर के हाथों में लेकिन कैच नहीं पकड़ पाया क्षेत्ररक्षक। निश्चित तौर पर थोड़ी हार्ड कैच थी, सामने की ओर डाई लगाकर कैच पकड़ना हर वक्त उतना आसान नहीं होता लेकिन आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी एक रन के साथ चिंटू करेंगे सामना टोनी की बॉल का। बड़ा शॉट खेलना चाहते चिंटू, थोड़ी सी खराब क्षेत्ररक्षण वहां पर और आसानी के साथ दूसरा रन चोरी किया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी दौड़ विकेट के बीच में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, काफी अच्छे धावक माने जाते हैं अरविंद और उतने ही शानदार बल्लेबाज चिंटू। इस दो रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अंबिकापुर क्रिकेट के एक बेहतरीन शानदार बल्लेबाज प्रशांत शर्मा भैया का आगमन होता हुआ यहां पर मंच पे।
57 रन 5 ओवर की समाप्ति पर, जबकि 3 विकेट खोई स्टार इलेवन की टीम। तो यहां से 18 गेंदों में 18 और रन बनाने होंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी महादेव डांड की टीम को अगर इस मैच को जीतना है और दूसरे दौरे में प्रवेश करना है। एक अच्छा ओवर और मैच की काया पलट सकती है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहा जाना मुश्किल। कौन सी टीम बाजी मारेगी और कौन सी टीम को शिकस्त मिलेगा। रशी क्या है गेंदबाजी करने के लिए अपना दूसरा और टीम का छठवां ओवर लेकर कोटिंड से। रशी क्राउंड द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज अरविंद के लिए। काफी तेज शॉट खेला लेकिन एक ही रन मिलेगा यहां पर। गेंद जब तक फील्ड की जाती है आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस रन के साथ टीम को बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन 17 गेंदों में और 17 रनों की जरूरत। निश्चित तौर पर देखना होगा कि यह मैच किस ओर करवट लेता है, क्योंकि अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी स्टार इलेवन के द्वारा। और चिंटू यहां बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन गेंद गिरी नो मैन्स लैंड में, 2-4-5 कदम पीछे रह गए विकेट कीपर। लगातार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे चिंटू, लेकिन अभी तक सही कनेक्शन नहीं दे पाए गेंद और बल्ले का। इस मैच के तत्पश्चात जो मैच खेले जाने हैं दोनों टीम के प्लेयर्स रेडी रहे, क्योंकि इस मैच के बाद तत्काल उनका मैच होने वाला है। झासुगुड़ और ब्लू स्टार टीम के कप्तान से आग्रह करूंगा कि मंच पे आए और टॉस करा ले, दोनों टीम अपना प्लेयर लिस्ट दे दें और एक अजीबोगरीब शॉट लेकिन कैच आउट हुए स्लिप की दिशा में। अरविंद का विकेट का पतन होता हुआ 59 रनों के योग पर। अरविंद के आउट होने के बाद टेनिस गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए एक धुरंधर बल्लेबाज टेनिस बॉल क्रिकेट के। किसी पहचान का मोहताज नहीं है खिलाड़ी, शानदार गेंदबाजी की इन्होंने। अब बैटिंग की बारी है, जबकि 14 गेंदों में 16 और रन बनाने हैं स्टार इलेवन की टीम को। मैं झासुगुड़ा टीम के कप्तान और ब्लू स्टार टीम के कप्तान से आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मंच पे टॉस की प्रक्रिया पूरी करा लें। 14 गेंदों में 16 रनों की जरूरत, तो देखना होगा ऊंट किस ओर करवट लेता है इस मैच में। रसिक जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, अभी तक बिल्कुल बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। पैरों से टकराई गेंद और काफी तेज गेंद थी और अंपायर का इशारा आउट करार दिया गया है, पगबधा में पाए गए हैं और बल्लेबाज के द्वारा रिव्यू लिया गया है। इस टूर्नामेंट में सभी क्रिकेट के नियम लागू हैं, तो दोनों ही टीमों के पास दो दो रिव्यू। इस मैच के हमारे थर्ड अंपायर आशुतोष प्रजापति और लोकनाथ डनसेना।
इस मैच में दोनों टीमों के लिए नाश्ते का प्रबंध मिश्रा स्वीट्स जो स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के उनके द्वारा कराई गई है। हमारे स्पॉन्सर्स गायत्री हॉस्पिटल, कार बाजार, मिश्रा फार्मेसी, केयर हॉस्पिटल, वाजपेयी स्वीट्स, बजरंग ट्रेडर्स, रिलैक्स स्पा, गायत्री तेज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, अनोखी सोच संस्था, नटराज मोबाइल, समर वेडिको, अंबिकापुर डिपो, बाबू भाई मोबाइल, दशरथ पावर टूल्स, श्रृंग कंस्ट्रक्शन, माँ दुर्गा ट्रेडर्स, टेक्सिको, न्यू जिम हॉलिक, एसआरएच हॉस्पिटल, सुबोध कंस्ट्रक्शन, यूनिक कलेक्शन, जसवाल ऑटो डील, बजरंग ट्रेडर्स, इन सभी का सहयोग साथ प्राप्त हुए है इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर्स। पंचशील स्वीट्स इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स में मासूम चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अंबिकापुर डिपो, किरकारी हॉस्पिटल, श्री महावीर हॉस्पिटल, नटराज मोबाइल, सिंह ट्रेवल्स, नॉट आउट करार दिया गया है अंपायर लोकनाथन सेना के द्वारा। और यहां पर अपने चिर परिचित अंदाज में टेनिस ने बहुत बड़ा छक्का लगा है और इस छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जिम हॉलिक छक्का 65 रनों पर जा पहुंचा है। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं टेनिस, काफी बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर एक शानदार हरपन वाला खिलाड़ी। बॉलर्स ने टोनी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपना दूसरा और टीम का सातवां ओवर लेकर सामना करेंगे चिंटू। बारह गेंदों में 10 और रन बनाने की जरूरत इस मैच को जीतने और दूसरे दौर में प्रवेश करने के लिए। काफी तेज शॉट, गेंद जा रही सीमा रेखा की और थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई वहां पर, लेकिन एक रन से ही संतोष करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। और इसी क्रम के साथ चिंटू ने छोर बदलाव, सामना करेंगे टेनिस जिसने पिछली गेंद पर काफी बड़ा हिट लगाया था, निश्चित तौर पर काफी आत्मविश्वास बढ़ा होगा चिंटू जो काफी देर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। टोनी दाएं हाथ के गेंदबाज, ओवर द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज टेनिस के लिए। चेंज ऑफ पेस डिलीवरी थी, गेंद जारी सीमा रेखा की ओर लेकिन जब तक फील्ड के जाती आसानी के साथ एक रन पूरा किया।
झासुगुड़ा और ब्लू स्टार की टीम के कप्तानों से मेरा अनुरोध है कि दो मिनट के अंदर मंच पे आए वरना उनके ओवरों में कटौती की जाएगी। टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान मंच पे तत्काल उपस्थित हो। ब्लू स्टार टीम के कप्तान अकबर, जहां कहीं भी हो उन तक मेरी आवाज आ रही हो तो जल्द से जल्द मंच पे आए। इस मैच का टॉस हमारे पार्षद सतीश बारी, एक उनके द्वारा इस मैच का टॉस कराया जाएगा। ब्लू स्टार एक हाथ से कैच पकड़ा है, मंच की ओर आ जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। नौ गेंदों में दो रनों की जरूरत, बस औपचारिकताएं से इस मैच में। फिर से चेंज ऑफ पेस डिलीवरी थी और पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ, लेकिन गेंद जब तक फील्ड की जाती है आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर लेबल। तो यहां से आठ गेंदों में एक रनों की जरूरत, निश्चित तौर पर काफी अच्छा मैच देखने को मिला लेकिन बालचंद की बल्लेबाजी ने एक तरफा कर दिया था इस मैच को। दो ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने और छह दंदनाते चौके लगाकर, और यहां पर काफी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन फील्डर खोजने में कामयाब हुए बल्लेबाज और एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए। एक बड़ा छक्का आ चुका था, एक रन लेकर इस मैच को खत्म करना चाहते थे लेकिन झासुगुड़ा टीम के कप्तान जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द मंच पे आए वरना ओवरों में कटौती की जाएगी उनके मैच में। इस मैच का टॉस सतीश बारी के द्वारा कराया जाएगा। कैमरामैन टॉस की ओर कैमरा करें। और यहां पर काफी बड़ा शॉट चिंटू के बल्ले से निकलता हुआ है, दंदनाथ बॉल लेकर आएंगे, बॉल लेकर आएगा पाया, दर्शकों की सहायता से गेंद मंगा ली जाए। प्रिंस ने विजयी छक्का लगाया और दूसरे दौर में प्रवेश करती है इसी छक्के के साथ स्टार इलेवन की टीम। काफी बेहतरीन मैच देखने को मिला। झासुगुड़ा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।